कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए एसपी महिला कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने नगर मजिस्ट्रेट से की भेंट। इस दौरान उन्होंने उन्हें ज्ञापन सौंपा है जिसमें मतदान के पूर्व संध्या पर पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने की शिकायत करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी, ये आज जो आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है, किस बात को लेकर? ये हमने महिलाओं के साथ जो प्रशासन ने अत्याचार किया 22 तारीख को रामपुर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई वोट नहीं डाल सके। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई, उनको घसीटा गया और इतना मतलब खौफ बिठाया गया कि कोई भी वोटों के लिए बाहर नहीं निकले। दुकानदारों से गाली गलौज की गई, दुकानदारों को मारा पीटा गया। ऐसा अत्याचार और ऐसा इलेक्शन हमने रामपुर का इतनी अपनी उम्र में पहली बार देखा है इस तरीके का। जैसा जो प्रशासन ने किया है इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी गुनाहगार हैं और इसके अंदर एडीएम साहब भी गुनाहगार हैं, सारा प्रशासन गुनाहगार है जो महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है। एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ये बदतमीजी और ये अत्याचार, ये कहाँ जाएगा हमारा हिंदुस्तान, कहाँ पहुँचेगा? तो क्या मांग की है? अब हमने मांग की है कि ये जितने इसके अंदर हमने गुनाहगार लिखे हैं इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको कानून के तहत सजा मिलना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कुछ प्रदर्शन आगे की फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जब तक इस पर उचित कार्रवाई ना होगी हमारा चलता रहेगा, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग।